हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी न्यूज लेकर आए। न्यूज क्या है दोस्तों, आपको मैं पहले इस न्यूज की पूरी रियलिटी बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त मीडिया वाले आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को घोटाला बता बताकर इसको इस कदर बदनाम कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी 19 सालों से अपना काम सही तरीके से कर रही थी, किसी भी निवेशक का पैसा आज तक नहीं रोका। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि मीडिया वाले इस सरकारी तंत्र से कुछ जुड़े हुए हैं या क्या है, जो हर वक्त हमारी सहकारिता आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को बदनाम करने पर तुले रहते हैं। तो ऐसी एक खबर फिर उन्होंने 6 घंटे बाद दोबारा डाली है। पूरी खबर का मुकड़ा है, सहकारी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घोटाला। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 806 शाखाएं, इस तरीके से इन्होंने यह हेडिंग डाला है। आगे खबर है, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, सहकारिता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बीते दिनों ही एसओजी ने इसकी 40,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इसमें बताया गया कि मोदी परिवार, नीरज मेहुल माल्या भी बड़ी जालसाजी की है। निवेशकों की रकम हड़पने के अलावा वे जिंदा मवेशियों को, जी हाँ दोस्तों, जो जानवर होते हैं, जिंदा मवेशियों को भी मार बताकर उनका क्लेम उठा लेते थे। कभी टैक्सी ड्राइवर और कभी कैसेट रिकॉर्डिंग का काम करने वाले वीरेंद्र मोदी ने अपनी भाई मुकेश और भारत के साथ 28 राज्यों में आदर्श सोसाइटी की 108 शाखाएँ खोली थी। आगे खबर है, राजस्थान में 306 शाखाएँ खोली, इसमें परिवार के 11 लोगों समेत नौकर और ड्राइवर तक को डायरेक्टर बना दिया। दोगुने धन जैसे कहीं झांसे देकर 20 लाख लोगों को 14,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश कराया। निवेशकों की रकम में से 12,000 करोड़ रुपए तो रिश्तेदारों व नौकरों की सैकड़ों फर्जी कंपनियों में बांट दिए गए। गाजियाबाद सहित कई जगहों पर संपत्तियाँ खरीदी। आगे खबर है दोस्तों कि अब ऐसा घोटाला नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सब इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, रेडीमेड खबरें ऐसी हैं जो भ्रम भ्रांति फैलाने में सभी निवेशकों को एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। हालांकि जो अंदर की बात है वो आप और हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया में निवेशकों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं रहा है। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ के साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।